नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राम और आप देख रहे हैं हिंदी टेक इन्फो। आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं सीपी प्लस इजी कैम, जिसका मॉडल है E44A। ये 4 मेगापिक्सल का फुल HD कैमरा है और ये मैंने मंगाया है अमेजोन से। चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं और जानते हैं इसके स्पेसिफिकेशंस के बारे में। तो चलिए ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले इसका जो पॉलिथीन है उसे रिमूव कर लेते हैं यहाँ से। ये और यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है डाउनलोड मोबाइल ऐप, यानी कि ये आपके मोबाइल से कनेक्ट हो सकता है। आप इसे जहाँ भी ऑफिस में या घर में जहाँ भी लगाएंगे, आप अपने मोबाइल के थ्रू वहाँ पे क्या हो रहा है लाइव फुटेज देख पाएंगे। और देखने के साथ साथ आप अपने बच्चों से बातें भी कर सकते हैं। वो अगर यहाँ से बातें करेंगे वहाँ आपको सुनाई देगी, आप वहाँ से जो बोलेंगे वो यहाँ पर वो घर पर भी सुन सकते हैं। यानी कि लाइव बातें भी आप इस कैमरे के थ्रू अपने बच्चों के द्वारा कर सकते हैं या फिर आप सुन भी सकते हैं केवल अगर सुनना चाहें तो। ये नाइट विजन में भी काम करता है और ये 360 डिग्री घूम सकता है, यानी कि चारों तरफ की ये रिकॉर्डिंग करेगा। अगर आप किसी कमरे के अंदर बीच में इसको रख देते हैं सेंटर में, तो ये चारों तरफ खुद ही घूमने लग जाता है। और यहाँ पर आप देखेंगे होम ऑन योर फोन सिक्योरिटी कैमरा, ये सिक्योरिटी कैमरे का एकदम बेहतर तरीके से काम करता है। इसके अलावा यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो कुछ स्पेसिफिकेशंस इस पे यहाँ पे दिए गए हैं, जिसमें फुल HD वीडियो है, इंटेल वाईफाई व्यू इन टाल्क, मतलब देख सकते हैं और बातें भी कर सकते हैं, 360 डिग्री ये मूव कर सकता है। इसके अलावा इसमें मोशन अलर्ट का भी फीचर दिया गया है, यानी कि अगर इस कैमरे के सामने अगर आप हाथ हिलाएंगे तो ये खुद मूव होने लग जाएगा। ये ह्यूमंस को पहचानने में माहिर है, यानी कि अगर कोई आदमी इधर उधर से इसके सामने से निकलता है तो ये उधर ही अपने आप घूम जाएगा। तो इसे ओपन कर लेते हैं यहाँ पर। और नीचे कोई पैकिंग नहीं आई अमेजोन से, क्योंकि इस पर सील नहीं था, ऊपर केवल एक पॉलिथीन थी। और इसके अंदर सबसे पहले ये निकलता है, एक छोटी सी बुक है जिसमें इसके बारे में बताया गया है कि इसे आप अपने मोबाइल से या किसी तरीके से किस तरीके से कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसे साइड में रखते हैं और अपना जो कैमरा है उसे निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो ये यहाँ पर सीपी प्लस का कैमरा दिया गया है, आप देख सकते हैं ये बहुत ही छोटा सा कैमरा है। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो एक रीसेट बटन है और यहाँ पर टाइप सी कनेक्टर है। ये पहला ऐसा कैमरा है जिसमें टाइप सी कनेक्टर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप इसे किसी छत पर अटैच करना चाहते हैं तो यहाँ पर इसे इस तरीके से आप निकाल सकते हैं और दो स्क्रू के थ्रू छत पर लगाने के बाद आप इसे वापस से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो ये इस तरीके से छत पे लग जाएगा और ये चारों तरफ का जो व्यू है वो आपको दिखाता रहेगा हर समय। तो बहुत ही खूबसूरत कैमरा है। सबसे पहले इसकी जो पॉलिथीन है इसे रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कैमरा है, ये चारों तरफ मूव करता है। तो इसे यहाँ रख देते हैं और देखते हैं बॉक्स के अंदर क्या क्या है। तो यहाँ पर एक छोटा सा बॉक्स और दिया गया है, इसे ओपन कर लेते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं दो स्क्रू दिए गए हैं, दो PVC की गुल्ली है जिसकी मदद से आप इसे छत से या कहीं भी जहाँ भी आप इस कैमरे को लगाना चाहें वो लगा सकते हैं। एक यहाँ पर सी टाइप केबल दी गई है जो कि इस कैमरे को डायरेक्ट सप्लाई देती रहेगी हर समय। इसके अलावा यहाँ पर एक छोटा सा चार्जर भी दिया गया है, एडेप्टर, तो इसे भी ओपन कर लेते हैं। ये देखिए एक छोटा सा एडेप्टर है। और अब इस कैमरे के फीचर्स के बारे में मैं आपको बता दूँ, अगर इस कैमरे की हम बात करें तो यहाँ पर 360 डिग्री कवरेज के साथ साथ 4 मेगापिक्सल का फुल HD कैमरा इसमें दिया गया है। 128 GB का SD कार्ड आप इसमें लगा सकते हैं और ये इतनी सुरक्षित जगह पे SD कार्ड लगा सकते हैं कि आप कोई ढूंढ ही नहीं पाएगा कि इसमें SD कार्ड कहाँ पे लगा हुआ है। वो इसके ठीक नीचे यहाँ पर एक पोर्ट दिया गया है, आप देख सकते हैं नीचे की तरफ यहाँ पर SD कार्ड लगता है। और इसे नीचे की तरफ घुमा देते हैं तो पता भी नहीं चलेगा कि आपका जो SD कार्ड है कहाँ पे लगा हुआ है। कोई अगर देखेगा तो उसे ये लगेगा कि ये केवल लाइव फुटेज देता है, ना कि स्टोरेज करता है, लेकिन स्टोरेज के साथ साथ ये लाइव फुटेज भी आपको प्रोवाइड कराता है। इसके अलावा अगर मैं इसकी बात करूँ तो 2.4 GHz के अलावा वाईफाई सपोर्ट, गूगल एलेक्सा समर्थित है। इसके अलावा अगर आप इसकी स्क्रीन की बात करें तो H265 हाई रेजोल्यूशन वीडियो कंप्रेशन है, RJ45 पोर्ट के साथ, नाइट व्यू के साथ, 15 मीटर IR, यानी कि ये 15 मीटर तक किसी को भी डिटेक्ट कर सकता है। इसके अलावा इसमें दो तरफा ऑडियो भी है। दो तरफा ऑडियो का मतलब ये है कि अगर आप यहाँ से कैमरे में से बोलेंगे तो आपको फ़ोन में सुनाई देगा और फ़ोन में से अगर आप बोलेंगे तो आपको कैमरे में भी सुनाई देगा। यानी कि आप बात कर सकते हैं अपने घर से आउटडोर कहीं पर भी रहते हुए इस कैमरे के थ्रू आप अपने बच्चों से कनेक्ट रह सकते हैं। बहुत ही शानदार कैमरा है। इसके अलावा अगर इसकी बात करूं तो इसका जो वजन है वो 368 ग्राम है और इसका जो मॉडल है CPE44A है। इसके अलावा इसके रेजुलेशन की बात करें तो 2560p का रेजुलेशन इसमें आपको प्राप्त होता है। इसके अलावा ये लैपटॉप के साथ भी कनेक्ट हो सकता है, HD रेजुलेशन आपको मिलता है। कैमरा USB केबल एडेप्टर के साथ आपको एक मैनुअल भी मिलता है। 101 डिग्री का व्यू एंगल है, यानी कि लाइव फुटेज जो ये आपको दिखाएगा, अगर मान लो 360 डिग्री का ये रोटेट हो जाता है तो 101 डिग्री का आपको व्यू एंगल दिखाएगा। अगर लेफ्ट साइड में अगर ये मूव करता है तो लेफ्ट साइड का जो व्यू एंगल है वो 101 डिग्री रहेगा। इसके अलावा बैटरी की इसमें ज़रूरत आपको कोई नहीं है, दीवार पे माउंट हो सकता है
और भारत में बना हुआ है। सबसे खास बात यह है कि ये इंडिया में निर्मित है और बहुत ही कमाल का कैमरा है। तो इसको यूज कैसे करना है उसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम आपको बताते हैं कि इसे कनेक्ट कैसे करना है। इसके अलावा इसके यूजर मैनुअल को पढ़ लेते हैं और जान लेते हैं इस कैमरे को हम कनेक्ट कैसे कर सकते हैं। बहुत सारे लोग बताते हैं कि यूजर मैनुअल कभी नहीं पढ़ना चाहिए, फेंक देते हैं, लेकिन अगर आप यूजर मैनुअल को पढ़ लेंगे तो आपकी थोड़ी सी जो प्रॉब्लम है वो काफी कम हो जाएगी। तो यहाँ पर डाउनलोड द इजी कैम ऐप स्टोर ऑन गूगल प्ले, यानी कि ये ऐप हमें डाउनलोड करनी है। तो सबसे पहले अपना मोबाइल मैं यहाँ उठा लेता हूँ, तो सबसे पहले अपना मोबाइल यहाँ पर मैं ले आया हूँ और यहाँ से चलेंगे हम गूगल प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर, और प्ले स्टोर पे हमें सर्च करना है इजी कैम। तो EZYCAM इजी कैम, सबसे ऊपर आप देख सकते हैं ये इजी कैम प्लस आ गया है, इस पर आपको क्लिक करना है और इसे सिंपली इंस्टॉल कर लेना है। तो यहाँ पर हमारी जो एप्लीकेशन है वो इंस्टॉल हो गई है, इसे ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं कि हमें सबसे पहले करना क्या है। एग्री, इसको एग्री कर लेते हैं, यहाँ से साइन अप करेंगे। यहाँ पे हम अपना ईमेल डाल लेते हैं, तो मेरा जो ईमेल है वो है मनु हाथरसी, ये डाल देते हैं। गेट वेरिफिकेशन कोड, और यहाँ पर एक वेरिफिकेशन कोड आएगा तो इसे यहाँ से उठाते हैं मनु हाथरसी। तो यहाँ पर इजी कैम का जो पासवर्ड है 6667667 यहाँ पर आ गया है, ये मैं बाद में बदल दूंगा 676767, ये यहाँ पे हो गया है। और यहाँ पे 2 से 60 सेकेंड का टाइम ये लेगा, एक यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 से लेके 20 शब्द तक का आप एक पासवर्ड यहाँ पे बना सकते हैं। तो मैं यहाँ पर एक पासवर्ड बना देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड बना दिया, लेकिन ये स्ट्रांग पासवर्ड मांग रहा है, तो मैं इसमें @ रुक जाइए, मैं दूसरा पासवर्ड बनाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने एक पासवर्ड बना दिया है, डन करेंगे, और यहाँ पर डन करने के बाद गो द ऐप यहाँ पर हमें क्लिक करना है और इसको सेव कर देते हैं। गॉट इट, और एड ए डिवाइस। तो यहाँ पर आप जैसे ही एड ए डिवाइस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पर बहुत सारे मॉडल जो कैमरे के हैं वो यहाँ पर आ जाएंगे, और यहाँ पर जो हमारा जो मॉडल है वो है 44। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं CPE 4A है, लेकिन हमारा जो मॉडल है वो है 44A, CPE 44A। यहाँ पर हमें क्लिक करना है और इस पर टिक कर देना है, इसके बाद यहाँ पर हमें नेक्स्ट पर क्लिक करना है और यूजिंग द ऐप इस पर क्लिक करना है, और यहाँ से हमारा जो वाईफाई है उसे हमें यहाँ कनेक्ट कर लेना है सबसे पहले। तो मैं यहाँ पर इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर हमें वाईफाई का पासवर्ड डालना है, नेक्स्ट, और अब हमें क्या करना है, इसे कैमरे के सामने कर लेना है कुछ इस तरीके से, ओके कर देना है। तो यहाँ पर ये डिवाइस को स्कैन कर रहा है, हो सकता है 1 से 1.5 मिनट ये यहाँ पे ले ले, ये यहाँ पे बता रहा है कि अगर आप श्योर हैं कि वाईफाई का जो सिग्नल है वो काफी मजबूत है तो ये अभी कनेक्ट हो जाएगा 1 सेकंड के अंदर ही। मुझे लगता है हमारा ये कैमरा है, इस कैमरे में अभी हमें सप्लाई देनी पड़ेगी पावर की, इसलिए ये कनेक्ट नहीं हुआ। तो सबसे पहले इसे पावर की सप्लाई देते हैं, हो सकता है इसी वजह से ये कनेक्ट नहीं हो रहा हो, क्योंकि यहाँ पर इसमें बैटरी नहीं है। तो इसे कनेक्ट करते हैं एक बार, पावर के काफ़ी लंबी केबल है यार इसके साथ, तो 1.5-2 मीटर की है, बहुत अच्छा। तो सबसे पहले हम इसे कनेक्ट करेंगे, ये हमने लगा दिया इसमें, और इसे हम लगा देते हैं पावर में, ये यहाँ पर हमने इसकी पावर जो है वो ऑन कर दी है। तो इसे एक बार फिर से बैक कर लेते हैं यहाँ से कंफर्म, और यहाँ से हमारा जो कैमरा है उसे बाबर से फिर से, यहाँ पे आप देख रहे हैं कैमरा हमारा जो है वो स्टार्ट हो चुका है, ये देखिए। और यहाँ पर हमें पासवर्ड डालना है अपने वाईफाई का, तो मैं पासवर्ड डाल देता हूँ। नेक्स्ट, और यहाँ पर कैमरे के सामने हमें स्कैनर को ले आना है कुछ इस तरीके से, आमने सामने करना है, ये देखिए, ये दीजिए, और हमने यहाँ पर क्लिक कर दिया। वाईफाई कनेक्शन हो चुका है, सक्सेसफुली कनेक्शन हो गया है, और यहाँ पर हमारा जो कैमरा है वो कनेक्ट हो गया है। अभी आप, मैं यहाँ पर बनियान पहन के बैठा हुआ हूँ जहाँ पर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, अभी देखिए
ऑन कर देते हैं इसको, फेस खाली फेस। तो मेरी कोशिश रहेगी कि मैं अपना केवल फेस ही आपको दिखाऊं। तो अभी हम ऑनलाइन हैं और यहाँ पर हमें सिग्नल मिलना जो है मोबाइल के वो शुरू हो गए हैं, और ये फुल एचडी आप देख सकते हैं मेरे कैमरे में जो सिग्नल हैं वो फुल एचडी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। मैं यहाँ पर यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा हूँ, आप देख सकते हैं। इसको थोड़ा क्लिक करते हैं कैमरे पे और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कमाल का है। और यहाँ पर बहुत सारी कुछ सेटिंग भी दी गई है, यहाँ पर आप देख सकते हैं एक आइकॉन दिया गया है माइक का, अगर मुझे कुछ बोलना है तो मैं यहीं पे क्लिक करके बात कर सकता हूँ। हेलो हेलो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने इस कैमरे को कनेक्ट कर दिया है पूरी तरीके से और ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहा है। अगर आप चाहते हैं कि जो 360 डिग्री आप इसे मूव करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, आप देख सकते हैं मोशन डिटेक्शन, अगर आप इसे यहाँ पर क्लिक करके ऑन कर देते हैं। यहाँ से मोशन ट्रैकिंग ऑन कर दिया मैंने और अभी ये घूमना शुरू हो गया। ये देखिए जैसे जैसे आप इधर यहाँ पर देखिए अलार्म भी बज रहा है और ये जिधर भी आप हाथ जाएंगे हाथ करेंगे ये उधर ही घूमना शुरू कर देगा। इसके अलावा यहाँ पर गैलरी का भी ऑप्शन दिया गया है, देखिए चारों तरफ घूम रहा है ये और बहुत ही अच्छी तरीके से काम कर रहा है। तो प्राइवेट मोड भी है, इसमें आप थीम सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप यहाँ पर चाहें तो क्लिक करने के बाद रोटेट कर सकते हैं, और आपको कैमरा आप मैनुअल भी यूज करना चाहें तो यहाँ से जिधर भी आप कैमरे को ऊपर नीचे दाएं बाएं करना चाहें वो कर सकते हैं, यानी कि आप किसी भी एंगल को कहीं भी बैठ के देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो है ना कमाल का। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग हिंदी टेक इन्फो।